टिमरू 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 इसे पकड़ो, देखो मैं क्या करती हूँ, देखो सो गाइज आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह सुनहरे मौसम के साथ। और देखो कितना प्यारा सा कितना सुंदर मौसम हो रखा है। एक्चुअली क्या है कि रात भर यहाँ आज बारिश हुई है और भाई साहब इतनी बिजली कड़की है। हमने कहा कि भैया इतनी बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। न्यूज़ में भूकंप वगैरह का भी आ रहा था कि अब की बार शायद भूकंप आ सकता है उत्तराखंड के साइड, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बारिश भी हुई, अच्छा लग रहा है। देखो कितनी प्यारा लग रहा है मेरे घर से बाहर का, मुझे अपना ये व्यू बहुत सुंदर लगता है। सो चलो गाइस शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो देखो आज हमें टाइम मिला है, आज हम कुछ अलग सा कर रहे हैं। अलग सा क्या कर रहे हैं, मलाई रखी थी हमने और उसका छोड़ रहे हैं हम छाछ, उसकी बनाएंगे हम घी, मलाई की घी। तो देखो मेरी लड़की क्या कर रही है ये। अब आज फ्री टाइम पे हमने कहा चलो यही करा जाए भाई, तो घी बना रहे हैं हम। देखना हमारा घी कैसे बनता है और क्या क्या प्रोसेस है उसका, किस तरह से घी बनाते हैं आपको सिखाते हैं, आपको घी बनाना आपको घी बनाना सिखाते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ सृष्टि क्या कर रही है, अभी छाछ छोड़ रही है मट्ठा का घी बना, क्या किसका उसका क्या, मलाई का, मलाई का घी बना रही है मट्ठा बना रही है उसको। तो देखिए आप ये क्या कर रही है लड़की, प्रोसेस जारी है। सो गाइस हम यहाँ छाछ छोड़ रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा वैसे तो हम जो पहाड़ी लोग होते हैं ये घी अपने घर में बना लेते हैं, तो गांव में तो भैंसे वैसे होती थी। अब यहाँ दिल्ली में कहाँ भैंसे होनी, यहाँ जो मदर डेरी का दूध आता है उसी को बचा बचा के जरा मलाई निकाल निकाल के ऐसे रख देते हैं, और तब उसको फेंट फेंट के ऐसे जब न्योड़ी निकल लग जाती है तब वो उसका घी बनाते हैं मस्त करके। तो भाई ये है हमारा गढ़वाली स्टाइल, आप लोग भी बनाते होंगे घी घर में, मुझे जरूर बताना। बेड में छाछोला जा रहा है गाइस, ये देखो। और फिर गाना भी याद आ रहा है मुझको, वो गाना क्या है, छासे छोली मट्ठा हाँ हाँ हाँ, छासे छोली मट्ठा हाँ हाँ हाँ, सबका समणी ना बोले होरक समणी ना बोले, लोग ल्यांदा ओ लोग ल्यांदा ठट्टा। तो गाइस वही है, यहाँ पे हम छाछ छोड़ रहे हैं, आप ठट्टे मत लाना इस बात पे। आप भी अपने घर में दूध में मलाई निकालो, मलाई बचाओ और फिर घी बनाओ, ओरिजिनल घी, ओरिजिनल घी है ही, और नहीं तो क्या। बाद में वो जब घी बचाने के बाद वो खुरखुरा सा वो निकलता है उसको भी रोटी में लगा के खाओ, कुछ भी वेस्ट नहीं करना भैया। या तो फुल क्रीम लाओ या भैंस का दूध लाओ। एग्जैक्टली exactly. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर देखो कैसा आ रहा है इसमें, इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ आगे से। ये देखो गाइस, ये देखो, ये लग गई हमारी नानी, देखा ये है हमारी न्योनी, घुमा 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 फिर घुमा, देख रहे हो इसको मोर करोगी और निकलेगी इसमें से। तो इससे बनता है प्योर घी। चलो गाइस इसको बनाने के बाद आपको मिलते हैं। देखो गाइस मैंने इसमें अभी आधा निकाल दिया इस बाल्टी में, अभी मैं इसको और छोलूंगी, ठीक है, इसमें से और निकालना है मैंने, अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम इस दूध को बचे हुए को पूरी मलाई निकालेंगे इसमें से, नहीं होनी लो ऐसे, मैंने पहले देखा था छोलते जाओ छोलते जाओ छोलते ऐसे ही, वो तो उसमें छोलते थे रस्सी बांध के, वो तो बड़े बड़े होते हैं, ये तो थोड़ा सा है, वो तो दही का करते ना गाँव में, दही छोलते गाँव में छोलते दही, हम छोड़ रहे क्या मलाई और क्या भाई, ये काम भी आना ही चाहिए। घर का पोई घर का पोई घर का पोई, क्या इसका मतलब, छाछ छोल रही हूँ क्या इसका मतलब, आई डोंट नो
इसका मतलब है कि छाछ छोली या घर पे ही खाली यही होगा उसका मतलब। गाइस हो चुका अब एक्सरसाइज भी हो गई। इसको हम पियेंगे जो बाद में बच जाता ना पानी, इसका होता है इसको बोलते हैं मठा। इसमें मस्त नमक डालो और मठा बना के पियो। गर्मियों में मठा बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो घर का बना हुआ मठा तो भाई पी सकते हैं। देखो दूध से अब क्या क्या बना सकते हो, अगर दूध फट जाए तो पनीर बना दो, दूध अगर उसमें बहुत सारी मलाई ऊपर लग रही है तो मलाई निकाल के साइड रख दो, बाद में ऐसे छोल छोल के उसका घी बना दो और बचे हुए पानी का मठे की तरह नमक वमक डाल के मठा पी लो, दही बना लो, दही बना लो, बहुत काम कर सकते हो तुम दूध के। भाई दूध ये नहीं कि दूध लाया गर्म किया सड़ा सड़ा पी लिया, और भी काम होते हैं। ऑल्टरनेट यूज नो, मिल्क हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। चलो गाइस सो करने के बाद अच्छा मिल्क का दूध से वो बना लो, क्या खोया बना लो, खोया बनाओ, पनीर बनाओ, और खोया से मिठाई बनाओ, हलवा बनाओ, बहुत चीजें हैं, खीर बनाओ, खीर बनाओ। चलो गाइस करने के बाद इसको घी बनाएंगे, तब मिलेंगे आपसे। मेरे को ज्यादा ध्यान घी खाने में नहीं, मेरा ध्यान अभी मठा पीने में, कब होगा ये, कब पियूंगे मठा कटोरापन ज्यादा है अभी। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ऋषि ने तो छोल दिया है छाछ, मतलब मठे का वो बना दिया क्या घी मक्खन। अब मैं इसको बना रही हूँ, इसमें कढ़ाई में डाल के कढ़ाई गर्म हो गई, जरा डाल दें इसमें, देखते हैं भाई कितना घी लगता है हमारा। प्रोसेस जारी है, तो थोड़ी देर में देखना ये घी बन जाएगा जब अभी ये पकेगा। इतना ही है गाइस, क्या करें, भैंस ने इतना ही दूध दिया। 2000 years later. Guys, घी हो गया हमारा तैयार, ये बन गया है घी, देखो ये पीला पीला। उसके बाद इसको छानेंगे ना हम, जो वो ये इसको छान के रखेंगे ये डब्बे में। ये देखो गाइस इसको बोलते हैं प्योर घी। मेरी मम्मी ने देखो क्या मस्त घी बनाया है। तो भाई ये जो आर्टिफिशियल बाहर घी आते हैं उनसे बचो, घर में ऐसे घी बनाओ, भले थोड़ा कम बनेगा पर कर सकते हैं ट्राई, है ना, है ना मम्मी, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया बहुत सही बोले। चलो अब ये पता क्या होता है, जब तुम इसको छान दोगे ना तो बाद में वो नीचे कुरमुर कुरमुर बचता है, क्या बोलते हैं मम्मी उसको, मेड़ा कुरमुर कुरमुर बचता मेड़ा, अच्छा ना खट्टा खट्टा सा, हाँ वो खा लेना चाहिए रोटी में। पापा का तो मेरा फेवरेट है, वो पापा खूब खाते हैं उसको, तो बच जाएगा तो हम भी खाएंगे। अभी तो पहले घी तो निकले इसमें से, होने लग गया ना, तैयार हो गया, अभी वो हो रहा है झुम 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 झुमक, इसको झुम 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 होने देना चाहिए। और खुशबू आ गई ना, खुशबू तो मस्त आ रही, मस्त आ रही खुशबू तो, बस कितनी सारी उसका इतना वो मतलब कम ही निकलता है घी नहीं उसमें से। ये है चम्मच ना, ये जी ये सृष्टि के लिए मट्ठा है, ये देखो तो जो अभी छान छोला था ना उसका मट्ठा है, लेकिन उसी का नहीं, उसमें मैंने दही भी डाल रखी है, दही डाले तो खट्टा होता, और नहीं तो उसका तो थोड़ा वैसे हो जाता ना दूध जैसा, लेकिन इसमें दही डाल, मुझे लगा कि जो छान छोला है ना उसके बदले मिलाई मेहनत की कमाई का मट्ठा, मेहनत की कमाई का मट्ठा, अब मत लगाना ठट्ठा ये। चलो गाइस अभी अभी ये हम ये थोड़ा पीते हैं, कैसा बना जरा टेस्ट करती मैं। मस्त हो रहा, मस्त हो रहा, बहुत टेस्टी हो रहा है। चलो थोड़ी देर मिलते हैं। सो गाइस मट्ठा बहुत टेस्टी हो रहा है, मम्मी घी जब बन जाएगा तो दिखाना कैसा बना, ठीक है, जरा जैसे रोटी में लपा लप उसका नीचे का वो जो बचता है लगा के जरा। तो कल खाना आपने बना रही, मैं ना उसको तो कल खाना। अच्छा कल दोगे वो, चलो तो कल दे देना, चलो ठीक है। गाइस देखो इसमें घी जम गया है, वो भी इतना ही जमा है इतना ही हुआ है घी, मतलब डेयरी का सफ़ेद हो रखा है, वरना हमारे वहाँ उत्तराखंड का होता तो पीला होता। अभी अभी देखो अभी ऐसा और खाइए, और खुशबू खुशबू तो मस्त आ रही भाई इसकी।
और ये उसका मेणा, ये मेणा रोटी साथ खा सकते है। देखो दूध पीने फिर आ गई शेरू हमारी। सो गाइस देखो दूध पीने फिर आ गई शेरू। सुबह दूध पी के गई थी और वहाँ पे लेट रखी थी उसके क्या बोलते हैं कूलर के नीचे, और अब यहाँ पर आ गए हमारी आवाज सुन के। टिमरू 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 ओए टिमरू, अब उसका मन नहीं हो रखा बात करने का, वरना बोलती है वो। टिमरू नाम पसंद नहीं आया क्या? हाँ शेरू शेरू टिमरू 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 टिमरू, अरे चुप रहो जरा बोल रहा है और को टिमरू 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 ए टिमरू टिमरू टिमरू, अब वो बोल रहा है क्या कर रही है फोन से मेरे पे। इसको बोलते हैं फोन, ठीक है, इससे आपकी वीडियो बन रही है टिमरू। टिमरू देखो मम्मी से क्या खिला रही है, रोटी खिला रही नहीं खा रहा रोटी ले बिरयानी खाएगा। 2000 years later. So guys ये देखो यहाँ तो कोने ही में घुसा हुआ है ना, बाहर नहीं आ रहा, और मैं इसको ऐसे कर रही हूँ टिमलू प्यार से, क्योंकि हाँ मैं नहीं घुस सकती ना, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, गुस्सा हो रहा है, प्यार से सहला रही मैं। अरे टिमलू टिमलू वही टिमलू उइ उइ उइ, नहीं 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 गिरेगा वहां से, गिर जाएगा वहां से, नहीं 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 वे मर गई। ले 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 चलो जाओ जाओ जाओ, कब से सो रखा है यहाँ पे आलसी इंसान, ओ आलसी जानवर। फिर से काम शुरू हो गया है। ये देखो गाइस मिष्टी भी आ गई है। हाँ आजा अंदर आजा, ये प्रसाद है। किसी का प्रसाद है ये? हैप्पी सोमवार। अच्छा हैप्पी, तेरा व्रत था सोमवार का? मम्मी का था। तेरी मम्मी ने व्रत ले रखा है सोमवार का? ते धन्यवाद। तो तो क्या गेंद बना के ला रखी है इसका, बॉल जैसा है, तूने टॉस के जला रखा है। ये देखो गाइस भूत देखना हो तो उसको देख लो, ये देखो हॉरर मूवी की मेन एक्टर है। इसे पकड़ो मौसी, जरा इसे पकड़ो, देखो मैं क्या करती हूँ, देखो डरावनी दिख रही तू। वो एक मूवी नहीं, उसमें भी ऐसी एक बच्चा होता है ऐसी। देखो मैं जैसे क्या ये ऐसे कैसे हट जा यहाँ से, भाग भाग भाग। नहीं मेरे को नहीं दिखानी। सो गाइस ये प्रसाद, ये डराने भी आई है मुझे लग रहा है मेरे को। सो प्रसाद भी खाते हैं, इसके अंदर क्या है देखते हैं पहले। देखो ये मिष्टी चम्मच कटोरा लेकर भी आ गई है। थैंक यू गाइस, मौसी का सगोर देखो। मौसी का सगोर वहां गिरा दिया पूरा। यार मुझे इतना अच्छा लगता है ना सूखा प्रसाद, मतलब हलवा जैसा बनता है, सिवा इसमें पानी डालो हलवा बन जाता है, पर मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है हलवा। हाँ, ज्यादा अच्छा है जो प्रसाद में पानी डाल के बना खाती हो, बस ऐसी पसंद है मेरे को ये सूखा सूखा इंडिया इन चीनी पीनी। अरे गिरवा दिया मिष्टी ने, नानी के लिए भी है, खुद ही खा रहे हो। नानी का, नानी ने खाई, मैं खाऊंगी पूरा। तो गाइज आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना ढेर सारा प्यार दें। बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।